हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियंका सिंह अपने यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम कर रही हूँ। और अभी हो रहे थे सुबह के 6:30 बज रहे थे और मैं बनाने जा रही थी नाश्ता। और इधर है प्रांशु के पापा। प्रांशु का तबीयत बहुत ही ख़राब था तो डॉक्टर ने बोला था कि थर्मामीटर आप लेकर रख लीजिए। तो ये ऐसा थर्मामीटर लाए हैं, पता नहीं क्या, उसको पानी में डालते हैं, फिर उसको झटकते हैं, पता नहीं क्या क्या करके तब उसको नापते हैं, तब सही बताता है। तो वही कर रहे थे। इधर प्रांशु सो रहा था और मैं बनाने जा रही थी पकौड़ियाँ। तो अभी तेल गरम हो चुका है, मैं उसमें डालने जा रही हूँ जो बेसन में मैंने मिक्स करके रखा है, प्याज मिर्ची उर्ची सब डाल कर रखा है, उसको मैं तलने जा रही हूँ। तो मैं इसे फ्राई कर दूँगी। सभी लोग नाश्ता करके चले जाएंगे, प्रांशु के पापा और मेरे ससुर जी मतलब पापा सब लोग खेत चले जाएंगे और प्रांशु जाएगी स्कूल। वो अभी सोई है, 6:30 बज रहा था, तो मैं उसे और 10-15 मिनट बाद उसे जगाऊँगी, फिर उसको नाश्ता कराऊंगी इसी से। और पकौड़े टिफ़िन में भी यहीं दूंगी और कुछ दे दूंगी, बिस्किट विस्किट या फिर कुछ जो भी बनाऊंगी तो दे दूंगी। तो इधर ये नाश्ता कर रहे हैं, अभी मैं कुछ नहीं बोल रही क्योंकि पापा भी नाश्ता कर रहे थे, नहीं तो इधर ही पापा भी खा रहे थे और ये भी दोनों लोग साथ में ही बैठ के खा रहे थे। मैं कब से वेट कर रही थी, मैं इनको बुला रही थी, ये सुन ही नहीं रहे थे, तेज से नहीं बुला रही थी क्योंकि वो भी बैठे थे तो सुन जाते, तो कहते ये पता नहीं क्या बुला रही है, इसलिए मैंने इनको बुला रही थी और ये ध्यान ही नहीं दिए। जब मैंने पैर ज़ोर से पटका था तब इन्होंने देखा था कि मैं बुला रही हूँ। मैंने पूछा कैसा बना है, तो बोलते हैं अच्छा है। तो अभी ये लोग खा लेंगे फिर निकल जाएंगे, इनको भूख लगी थी, बहुत तेज़ से भूख लगी थी क्योंकि 6:30 बज रहा था और खेत जाते हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है आने में, तो कुछ नाश्ता वास्ता करके ही जाते हैं डेली, तो बोल रहे थे कि अच्छा बना है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने भी पकोड़े निकाले हैं और मैं भी जा रही हूँ खाने, फिर मम्मी आएंगी वो भी खाएंगी और दादी के लिए भी ले जाएंगी। और चटनी भी बनाई थी मम्मी, ये चटनी बनाई थी, पकोड़े मैं तल रही हूँ, वो चटनी बनाकर गई थी। तो मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी और मेरा फास्ट था कल, तो इसलिए मैं पहले नाश्ता कर लूँगी फिर उसके बाद ही कुछ काम करूँगी। आज मैं लटकन बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि बहुत दिन हो गया है मेरे पास, मैंने वीडियो बनाई थी लटकन की, तो मैं वो शेयर करूँगी। और आप लोग बताना कि मैंने लटकन कैसा बनाया है, अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को जरूर, मेरी ये पूरी वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा समझ में आएगा तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मैं अपने चैनल पर कटिंग सिलाई की वीडियो, ब्लॉग वीडियो और अपनी फैमिली के वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। इधर मम्मी भी कुछ सामान लेकर आ गई थी, ये देखिए ये बनारसी साड़ी का कुछ आँचल में से टुकड़ा बचा हुआ था और उसके अस्तर का कपड़ा बचा हुआ था, तो उसी से मैं बनाने वाली हूँ अस्तर। तो ये मैं प्रियंका सिंह अपने यूट्यूब चैनल देखिए, मैंने इधर सभी का वेलकम कर दिया है। तो ये मैंने और एक पट्टी काट लिया है, उसका मैं डोरी बनाने वाली हूँ। तो आपको जो लहंगा पतली डोरी रखनी है, नहीं बनाना है वहाँ से आप सिलाई लगा डालना है, ये मुझे लहंगे के लिए बनाना था तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मोटा बनाया है और ये 5x5 मैंने 6 पीस इंच चौड़ा मैंने बनाया है, कपड़ा काट लिया है, 12 पीस है इसमें, 2-2 पीस किए हैं, 6 पीस है ये, एक ऊपर के लिए मेन फैब्रिक है और एक अस्तर का अभी लिया है, ये पिंक और लाल। इसी तरह से देखिए दोनों साइड लटकन बनाने के लिए मैंने 6 पीस तैयार करने हैं इसको पलट, और इसका कोना देखिए, इसके कोना बीच से सेंटर में सेंटर पे मैंने एक निशान लगाना है, इस तरह से निशान बनाकर इसके बाद लगा लेना है पेचकस की है और इसे इस तरह से सारे कपड़े को पलट लेना है। पीछे की साइड से मैंने पेचकस की है, देखिए इस तरह से इसे दोनों पाल नहीं करना चाहिए, सिर्फ अस्तर ही करना चाहिए और उसके कोने को पेचकस से निकालने अच्छे से नुकीला बना तो लिया, निकाल दिया इस तरह से, मैंने इसको निकाल दिया है। ऐसे ही मैं सारे पीस को सीधा कर लूंगी, तो ये कपड़ा तो भी मैंने सारे पीस सीधा कर लिए हैं, तो देखिए मेरे 6 पीस तैयार हो गए हैं। अब इसको क्या मैं इस तरह से बराबर करना है और इसका मेन फेब्रिक जो है उसको थोड़ा सा कट लगाना है, छोटा सा कट लगाना है, इसमें से डोरी इस तरह से जा सके। तो देखिए इसमें मैंने 3 पीस में गूंथ लिया है, एक साइड लगाना है, अब इसको एक बार फोल्ड करना है, मैंने तीनों को एक फोल्ड करना है, इस तरह से त्रिकोण में सिलाई लगा लेनी है, सेम ऐसे ही एक बार मैं लगा लेना है और इसको पलट के फिर से इसको इस तरह करना है, बीच में डोरी रहेगा उस पे डोरी को अटैच करते हुए इस जगह काफी अच्छी सिलाई लगा लेनी है देखने में। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पे स्टिचिंग कर लिया, तो अभी ये मेरा एक फ्लावर बन गया है, इसको मैं पलट के ऐसे ही मैं दोनों लटकन को और बना लूंगी। तो अभी मैंने तो इसको ये पलट दिया, ये बन चुका है, इस तरह से बन गया फ्लावर, काफी अच्छा लग रहा है। ऐसे ही मैं ऐसे जो ही दो मैं सारे पीस तैयार करूंगी उसको तो देखिए एक इंच की दूरी पर लटकन वो बीच में सारे पीस ऐसे ही रेडी कर डोरी उतना छोड़कर एक इंच दूरी पर इस लटकन को भी मैंने अटैच कर लिया है और सिलाई लगा ली है, और सेम ऐसे ही मैं जो एक बचा है एक पीस उसको भी ऐसे ही रेडी कर सिलाई लगा ली है। देखिए इतना बड़ा डोरी दोनों फ्लावर है ताकि अब एक रह गया है, इसको भी मैं बना लूंगी फिर इसको लहंगे में डालने के बाद दूसरा पीस में
रेडी कर चुका है, एक साइड का लटकन बन जाएगा तो अब मैं पूरा इसको बना कर दिखाती हूं दोनों साइड का पाएगा लहंगे में अंदर। चलिए मैं पूरा बना कर दिखाती हूं, तीन पीस बचा है तो दूसरी साइड जो बनाना है बन चुका है, लहंगे में डालने के बाद बनाऊंगी। तो देखिए मैंने ये बना लिया है, इसका बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। आप लोगों को मेरी कटिंग फाइनल लुक वीडियो समझ में आई होगी, अगर तो अच्छी लगी हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी डालूंगी, करिएगा वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। मैं अपनी भी कटिंग स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूं, जैसे सलवार का मेरा ब्लॉग कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ऑडियो में शेयर करती हूं। तो प्लीज मेरा ये लटकन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं थक गई थी ये काम करते करते, तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, तो मैं और बाबू इधर लेट गए थे। तो देखिए इधर प्रांशु सोया हुआ है, मैं भी इसके पास सोई थी, ये कितना क्यूट लगता है सोते हुए, अभी ये जाग गया था, मैं इसके पास आकर लेटी तो फिर से सो गया मुझे देख कर। तो फ्रेंड्स मैं फिर से आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।